नमस्कार दोस्तों, नया साल आ रहा है, 2022 जा रहा है, 2023 आ रहा है। सबसे ज्यादा टेंशन हमारे देश में, पूरी दुनिया में किसने दी हुई है तो वो पॉलिटिशियंस ने दी हुई है। किसी भी पार्टी की हो, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की टेंशन चल रही है। रशिया यूक्रेन की टेंशन चल रही है। अच्छा, हम क्या करें? हमारा तो रशिया भी दोस्त है, यूक्रेन भी दोस्त है। तो मेरा एक दोस्त बोला, यार हम क्या करना चाहिए कि जिससे दोनों की लड़ाई रुक जाए, क्या सोल्यूशन क्या है? हमारे दोनों दोस्त है। मैंने कहा बहुत सिंपल है यार, यूक्रेन को बोलो कि अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर दो। बोलो उससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा टेंशन नेताओं ने दी हुई है। एक से बढ़कर एक नेता है। मैं कुछ नेताओं को आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा, आपको लगे कि वे आ गए हैं तो मुझे बताना। एक नेता है लालू प्रसाद यादव। लालू जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, सब लोग पसंद भी करते हैं। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए थे। लालू जी ने एक घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी भाइयों बहनों अच्छा दिन है। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब आएगा अच्छा दिन, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी नौवीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। एक से बढ़कर एक नेता है सर। एक नेता है क्या थे, नवजोत सिंह सिद्धू। मैं लाफ्टर शो में था, हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, उनको हंसना होता था, पर वो हमसे पहले शुरू हो जाते थे। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना होगा, एक बार अगर सिद्धू जी भाषण देना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का आया, उसने जैसे लिया के माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। एक से बढ़कर एक नेता है, सबका भाषण देने का अंदाज अलग है। अभी चाइना ने हिमाकत की हमारे भारत में घुसने की और हमारे सैनिकों ने उसको भगाया। आपने हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भाषण संसद में सुना होगा। राजनाथ सिंह जी अगर मेरे अंदाज में भाषण देते चाइना के ऊपर तो क्या बोलते? अध्यक्ष महोदय, भाइयों बहनों, जहां तक प्रश्न चाइना का है तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सेना ने चाइना लड़ाकों को मार मार करके भगाया है, उनको डंडे मार के भगाया है, कंटीली तारों से हमने उनको बांधा है। आइंदा चाइना कभी हिमाकत नहीं करेगा भारत की सीमा में घुसने की। और वे जब उनको लाठी डंडों से हमारे सैनिकों ने पीटा है भाइयों बहनों, तो वह आऊ माऊ चाऊ माऊ करते करते सीमा से पार गए हैं वह बॉर्डर पर। और मैं पूरे देश को डंके की चोट पर यह यकीन दिलाना चाहता हूँ, चाइनीज कितनी भी बड़ी हिमाकत करे, परंतु भारत चाइनीज बॉर्डर पर कभी भी चाउमीन और मामोज बेचने उनको नहीं दिया जाएगा। अंदाज होता है सबका। एक आवाज है जिनकी मिमिक्री आपने शायद कभी किसी ने सुनी हो, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी का अपना अंदाज है, अपना भाषण देने का स्टाइल है, पूरी दुनिया उनका भाषण सुनती है। अभी मेरी उनसे बात हुई सपने में, मैंने कहा सर ये बताइए चाइना अंदर आ रहा है दोबारा से, कोरोना भी आ रहा है, तो क्या देखिए जहां तक चीन का सवाल है तो मैं पूरे देश को यह यकीन दिलाता हूं कि हमारे सैनिकों ने उनको मार के वहां से भगा दिया है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो देख सके। और इतना ही कहना चाहता हूं भाई, हमने तो कोरोना से भी लड़ने का फैसला किया है, उसका एक नमूना तो सेना है, और हम बॉर्डर पर कटीली तारों के साथ साथ ही एक बड़ा मास्क भी वहां पर लगाने वाले हैं। ना रहेगा कोरोना, नहीं पड़ेगा रोना। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। एक नेता ऐसे हैं जिनका भाषण पूरी दुनिया सुनती है, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो दो बार सुनता है। मोदी जी की आवाज। मोदी जी कल मेरे सपने में आए, मैंने उनको बताया जी मैं फिरकी के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, तो मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया। भाइयों बहनों, मेरे देश में एक चैनल है फिरकी, और वो हम राजनेताओं की भी फिरकी लेता रहता है, तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से फिरकी का बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वैसे ही फिरकी लेता रहे, और जो गम की दुख की मिर्गी लोगों पर है उसको दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब नेताओं का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे बात। मैंने कहा शिवराज जी नया साल आ रहा है, अब तो मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव भी हैं, तो शिवराज जी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर कोई नेता कितना ही पॉपुलर हो जाए मोदी जी की बराबरी नहीं कर सकता। ये दिग्विजय सिंह जी डांस कर रहे हैं, कमर मटका मटका के डांस कर रहे हैं, इनका तो नाम बदल करके दिग्भ्रमित कर देना चाहिए। और एक कमलनाथ जी सरकार बनाना चाहते थे मेरे मित्र,
उनको कुछ नहीं पता, कमलनाथ जी सरकार बनाना चाहते थे पर आपके मामा ने बीच में भांजी मार दी। सब किसी नेता का अपना अपना अंदाज होता है। बहुत सारे नेताओं से मेरी बात होती है। कल मेरे सपने में आ गए थे किसान नेता राकेश टिकैत। वो आप मेरी, हमने कहा सर हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, 2020 वर्ल्ड कप से पिछले साल भी हारी, पिछले साल फिर हार गई, भाई सब क्या करना चाहिए? तो टिकैत जी ने भाषण देना शुरू किया। मैंने कहा सर क्या करना चाहिए वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, सोल्यूशन बताओ। आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, हाँ पूरा करेंगे पूरा। मैंने कहा जी कहाँ? हाँ ये करेंगे ICC के गेट पर करेंगे। ICC? हाँ ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है वहाँ करेंगे ये आंदोलन पूरा करेंगे और मांग करेंगे। मैंने कहा जी क्या मांग करोगे? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ, ये मैच दोबारा होंगे और रन रेट का कानून बनेगा। इसका रन रेट बढ़ गया, उसका रन रेट कौन बढ़ाता है रन का रेट, ये रन का रेट कौन लेता है उसकी जांच करवाओ। एक और समस्या है क्रिकेट में, मैंने कहा जी क्या है? अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन इशारा करता है, अंपायर किसी से बात करके नोट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में अंपायर से जिसकी बात होती है, कौन बात करता है उसकी जांच करवाओ। आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट की बजाय गन्ने गड़ेंगे मारे। सबका अंदाज है, बहुत सारी आवाजें हैं लेकिन एक आवाज ऐसी है जिसके बिना मिमिक्री पूरी होगी नहीं, वो हमारे आदर्श हैं, हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। कॉमेडी में वो मेरे सीनियर हैं, वो कब क्या बोल जाते हैं कुछ नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अभी राहुल जी की पद यात्रा चल रही है, मैं तो कल एक दोस्त को बोल रहा था, मैंने कहा यार जो हालत कांग्रेस की चल रही है, हाथ तो उनका जनता ने घिस दिया, पद बचे थे वो राहुल जी पद यात्रा में घिस देंगे। तो राहुल जी का अंदाज देखना, अगर राहुल जी आपके फिरकी चैनल पे आते तो कैसे भाषण देते, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए भैया ये जो फिरकी है, ये जो चैनल है, ये जो कॉमेडी है, ये कैसे होती है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कॉमेडी कैसे होती है भैया? ये कोई नहीं बताएगा भैया, मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। ये जो चैनल वाले हैं ये हमें पे करते हैं भैया, कॉमेडियन को बुलाते हैं तो कॉमेडी होती है, सिंपल है, सिंपल खत्म भैया, टाटा गए, बाय बाय, अब आएगा मजा भैया, अब आएगा मजा। ये नेताओं की टेंशन है, लेकिन हमारा इतना बड़ा देश है, नेताओं ने टेंशन दी तो कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने भी कम टेंशन नहीं दी है, अब ये नहीं पता कि इस पार्टी को ज्यादा दे रहे हैं उस पार्टी को ज्यादा दे रहे हैं। कल बाबा ने अपना एक मंच बनाया हुआ था, सबको योग सिखा रहे थे, अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। करा करने से होता है करा? किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। तो अभी बाबा एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, चटाई बिछाओ, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो। इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे, धीरे धीरे करो। एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे करता जा, पेट तो कम होगा। तो भी बाबा ने लोम लोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाया, एकदम अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। बाबा कैसे हो गया? अरे तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा कौन? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फिरकी का, धन्यवाद, थैंक यू।